हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक और सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एनजी इन्फो चैनल में, जहां आपको हर तरह की नई नई जानकारियां जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में BARC क्या होता है, उसका पूर्ण नाम क्या है, यह कैसे कार्य करता है, उसके बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, BARC का पूर्ण नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। यह एक संयुक्त उद्योग उपक्रम है जिसे प्रसारणकर्ता, विज्ञापन दाता, विज्ञापन और मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉक होल्डर निधिबद्ध करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है। यह रिसर्च काउंसिल साल 2010 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। BARC की सबसे बड़ी खासियत आधुनिक तकनीक और उद्योग का मिश्रण है। यह व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित और भविष्य की तकनीक पर आधारित बताई जाती है। वही BARC इंडिया टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम के सटीक और पारदर्शी संचालन के लिए जिम्मेदार है। BARC इंडिया ऑडियो वाटर मार्किंग तकनीक का उपयोग करके टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप का मापन करती है। व्यूअरशिप यानी के जो जनता चैनल या शो देखते हैं वो। यह सिस्टम बैरोमीटर के जरिए TRP की मॉनिटरिंग करता है। मुंबई में करीब 2000 बैरोमीटर है। तो दोस्तों, यह BARC इंडिया पहले ऑडियो वाटरमार्क तकनीक का उपयोग करके प्रसारण के वीडियो में और उसके साथ दोनों में ही वाटरमार्क भेजे जाते हैं, जिससे बैरोमीटर में वाटरमार्क सहित यह जानकारी दर्ज हो जाती है कि ग्राहक कौन सा चैनल या शो देख रहा है। इसके बाद इस जानकारी को अन्य संबंधित जानकारी के साथ जोड़कर पूरे आंकड़े तैयार करके व्यूअरशिप डेटा के तौर पर जमा किया जाता है। इन्हीं आंकड़ों का मापन करके TRP रेटिंग सहित अन्य जरूरी विश्लेषण भी किए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया को यथासंभव पारदर्शी और सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप BARC इंडिया के बारे में समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी यह माहिती शेयर कीजिएगा। इस तरह की नई नई जानकारियां जानने को पसंद है तो इस एनजी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। आपको जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद।